श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी ने मुझसे पूछा था दीदी रोजाना सुबह सुबह शिवलिंग का पूजन हम घर में किस तरह से करें, तो बस वही वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने शिवलिंग को, जो मेरे घर में शिवलिंग है, उन्हें मैंने अभिषेक पात्र के अंदर रख लिया है, जल से अभिषेक करा लिया है। गाय का यहाँ पे मैं कच्चा दूध प्रयोग कर रही हूँ अभिषेक करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह देखिए इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम बहुत बड़ी पूजा कर पाएँ। तो बस मैं यहाँ पे सावन में सिंपल अभिषेक करती हूँ सुबह सुबह, परंतु शाम को 5 बजे मैं रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ, उसका पूजन करती हूँ। मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने मेरे जो शिवलिंग हैं उन्हें स्नान करवा दिया है कच्चे दूध से, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है, तो मैं केवल सिंपल ही पूजन करती हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस अभिषेक कराऊँगी नंदी जी को, शिवलिंग को हमारे। उसके बाद में यहाँ पर मैं शिवलिंग की पिंडी को उठा लूँगी, क्योंकि ये पात्र है तो यहाँ पर इसमें जल नहीं टिकता है, जल आप देख रहे होंगे प्लेट में चला जाता है। तो ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, मैंने तो यहाँ ऑफलाइन मार्केट इंदौर से ख़रीदा था। और ये अभी मैंने रिसेंटली जो बताया था आपको, मैंने चांदी के बनवाए थे शिवलिंग, तो ये वही वाले हैं। और जो शिवलिंग की पिंडी है वो मैं नर्मदा जी से लेकर आई थी, मतलब ओंकारेश्वर नगरी से लाई थी। तो यहाँ पर मैं बेलपत्र का आसन दे दूँगी भगवान को, अभिषेक कराने के बाद हम यहाँ पे आसन पे विराजमान कर देंगे उन्हें। और जो शिवलिंग, जो हमारी पिंडी है, उन्हें हम अच्छे से पोंछ के साफ करके वापस से स्थापित कर देंगे। और नाग देवता को भी मैंने वापस से स्थापित कर दिया है। सुबह सुबह बिल्कुल सिंपल सा पूजन में मैं आपको बता रही हूँ, जो हर कोई कर सकता है। इस पूजन में मात्र 2 से 3 मिनट आपको लगते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में देखिए दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो जाता है, परंतु मुझे मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं पूजन करने में। यहाँ पे मैंने अष्टगन जो चंदन होता है उससे त्रिपुंड बना दूँगी। आपको मैंने बताया था चंदन के बारे में कि कौन कौन से चंदन शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं, वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जो उन मस्तक, जो शिवलिंग की पिंडी का जो मस्तक होता है, यानी सिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसे आपको कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा खाली रहता है वहाँ पर लक्ष्मी आती है परंतु टिकती नहीं है, घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो आपके घर में यदि शिवलिंग है तो उनके मस्तक को आप ढककर रखें, आप चंदन लगा दीजिए, आप अक्षत रख सकते हैं। यहाँ पर मैं रोज़ाना चंदन लगाने के बाद अक्षत रखती हूँ और काले तिल ज़रूर समर्पित करती हूँ, क्योंकि काले तिल शिवलिंग पे अर्पित करना सावन में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने चंदन लगा दिया है, अक्षत रख दिए हैं और काले तिल भी समर्पित कर दिए हैं। इसके पश्चात यहाँ पर शमी पत्र मैं अर्पित कर दूंगी, क्योंकि रोजाना की पूजा में देखिए मुझे जो उपलब्ध हो पाता है मैं वही चीज़ें रखती हूँ। कभी बेलपत्र मिल जाता है, अभी तो सावन है मिल जाते हैं, नहीं मिलता है तो चांदी के बेलपत्र लाके मैंने रखे हुए हैं, वो भी अर्पित कर देती हूँ मैं। अब बेलपत्र समर्पित करते समय ध्यान रखिएगा, आपको आपके हाथ की सबसे छोटी जो लिटिल फिंगर है वो वाली फिंगर भी यूज़ नहीं करनी, और जो अंगूठे के पास वाली जिसे मध्यमा उंगली बोलते हैं वो भी प्रयोग नहीं करना होता। इसके बाद यहाँ पर मैंने सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दिया है, सफ़ेद मुझे यहाँ पर मोगरे का फूल मिल गया था तो मैंने वो अर्पित कर दिया। मोगरा चढ़ाया जाता है, केतकी के सफ़ेद रंग के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। गुलाब के पुष्प आप अर्पित कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जिस तरह से पुष्प पहले मैंने चढ़ाया है उसी तरह से हम सभी पुष्प अर्पित करते हैं, परंतु ये गलत होता है। पुष्प का जो मुख होता है उसे आपको हमेशा भगवान की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि मुख भगवान की तरफ रखेंगे तभी हमें जीवन में कुछ भी अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। डंडी अगर भगवान की तरफ कर देंगे और पुष्प का मुख अपनी तरफ कर लेंगे तो यह सही नहीं माना जाता। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है, और ये जो कलावा जिसे हम मौली बोलते हैं उसे वस्त्र स्वरूप में अर्पित कर दिया है। धतूरा मेरे पास था, धतूरा मैंने अर्पित कर दिया है। और जो माता के यहाँ पर हस्त कमल जो आपको दिख रहे हैं, जो जिन्हें हम देवी उमा का जो स्वरूप मानते हैं, देवी पार्वती का स्वरूप होता है, वहाँ पर मैं चंदन अर्पित कर रही हूँ। चंदन अर्पित करने के पश्चात यहाँ पर मैंने माता के लिए भी फूल अर्पित कर दिया है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो सामग्री आपको रोजाना में मिल जाती है, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी तभी आप पूजन करेंगे। आपके पास फूल बेलपत्ती नहीं भी है तो भी आप भगवान का जल से अभिषेक कर दें, दूध मिलता है दूध से अभिषेक कर दें, चंदन लगा दें, उसमें भी भगवान खुश रहते हैं, क्योंकि भगवान को तो एक लोटा जल भी प्रसन्न कर देता है। तो यहाँ पर भोग स्वरूप मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पर मैंने केले रख लिए हैं, थोड़े से चिरौंजी दाने रख लिए हैं। परंतु जब भी आप शिव जी को भोग अर्पित करते हैं, बेलपत्र की व्यवस्था हो जाए तो बेलपत्र रखकर ही आपको भगवान को भोग समर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात हम भगवान को धूप दीप दिखा देंगे।
और यहाँ पर धूप का प्रयोग करना चाहिए। देखिए मैं हमेशा धूप जलाती हूँ, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती के अंदर बांस होता है और बांस वंश वृद्धि को रोकता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं जल से आचमन कर रही हूँ। भगवान को भोग लगाने के बाद धूप दीप हमने दिखा दिया था। धूप दीप दिखाने के बाद अब हम करेंगे भगवान की आरती। भगवान की आरती के लिए हमने दीपक प्रज्वलित करा हुआ था और हम कपूर गौरम करके, जैसा भी देखिए आपके समय की व्यवस्था जो हो जाए, बस यहाँ पर बहुत सूक्ष्म रूप से मैंने पूजन करके दिखाया है आपको कि रोजाना आप किस तरह से सिंपल सादा विधि से पूजन कर सकते हो। प्रसाद में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप शक्कर रख लीजिए, आप गुड़ रख लीजिए, जो भी आपको भगवान के लिए नैवेद्य मिल जाता है वो रखिए। इस तरह से यहाँ पर भगवान की आरती मैंने कर ली है। आरती करने के पश्चात हम भगवान को प्रणाम कर देंगे, मस्तक टेक लीजिएगा। बस इसी तरह से सिंपल पूजन था कि सावन के महीने में यदि आप देखिए जॉब करते हैं, नहीं समय मिलता है, घर गृहस्थी में हमें बिल्कुल कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, तो सुबह की आप इस तरह से सिंपल पूजा कर लीजिए, परंतु सावन माह में शिवलिंग का अभिषेक आप ज़रूर करिए। भले 2 मिनट का समय निकालिए पर करिए ज़रूर। तो ये बहुत सिंपल पूजा विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आपको लाभप्रद लगा हो और आधी परिक्रमा ही कर रही है, देख लीजिए आप, गलती से कई बार हम पूरी परिक्रमा कर लेते हैं महादेव की आरती करने के बाद, तो हमेशा आधी परिक्रमा ही आपको करनी चाहिए। तो बस यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।